भारत सरकार ने 2015 में महत्वाकांक्षी सागर माला कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश की लंबी समुद्री तटरेखा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर भारत के स्थान का लाभ लेकर देश में बंदरगाहों के जरिए विकास की गति तेज करना है। सागर माला कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं आयात निर्यात और घरेलू कार्गो के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना, निवेश को जुटाना, 2025 तक घरेलू जल परिवहन को दोगुना करना, निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। सागर माला के तहत चल रहे प्रोजेक्ट 60 से अधिक संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन में व्यापक समन्वित और निर्बाध विकास हो। सागर माला के मुख्य स्तंभ हैं पोर्ट आधुनिकीकरण, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लिंक औद्योगिकरण, तटीय सामुदायिक विकास, तटीय नौवहन और अंतरदेशीय जलमार्ग। पोत परिवहन मंत्रालय ने सागर माला के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया, जिससे व्यापक बदलाव हुए हैं। 2025 तक 2500 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष के ट्रैफिक प्रोजेक्शन को ध्यान में रखते हुए पोर्ट क्षमता बढ़ाने के लिए रोड मैप बनाया गया। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और बड़े बंदरगाहों की क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया। बड़े बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय में एक तिहाई कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार, बड़े बंदरगाहों में ऑपरेटिंग सरप्लस में 1.7 गुना की बढ़ोतरी, कंटेनर स्कैनर और RFID स्थापित किए गए, जिससे गेट पर समय कम लगे। 2025 तक कुल 12,000 किलोमीटर लंबी सड़क और रेल परियोजनाएं पूरी करने की योजना है। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई, जिससे पोर्ट कनेक्टिविटी की योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता मिले और काम तेजी से हो। दीनदयाल पोर्ट, कामराजार पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चिदंबरनार पोर्ट और पारादीप पोर्ट में 3,384 एकड़ बंदरगाह भूमि का विकास किया जा रहा है, जिससे औद्योगीकरण के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। पोत परिवहन मंत्रालय जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षों की अनुदान सहायता दे रहा है। 2016 में शिपयार्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा दिया गया। कोचिन शिपयार्ड बड़े और आधुनिक जहाज जैसे LNG जहाजों के निर्माण के लिए 1800 करोड़ रुपए की लागत से 310 मीटर लंबा ड्राई डॉक बनाने की प्रक्रिया में है। साथ ही कोचिन पोर्ट पर 970 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय शिप रिपेयर फैसिलिटी बनाई जा रही है। बंदरगाहों और अंतरदेशीय जलमार्गों के लिए तकनीकी क्षमता में उत्कृष्टता को ध्यान में रखकर IIT मद्रास में नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स और IIT खड़गपुर में सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरिटाइम टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। जहाज निर्माण में प्रशिक्षण देने के लिए विशाखापट्टनम और मुंबई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरिटाइम एंड शिप बिल्डिंग स्थापित किए गए हैं। तटीय समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के मकसद से 18 फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 6 क्रूज टर्मिनल मुंबई, कोचिन, मोरमुगाव, न्यू मैंगलोर, विशाखापट्टनम और चेन्नई में कुल 519 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में क्रूज पर्यटन में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार ने ट्रांसशिपमेंट और कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में लाइसेंस की शर्तों में ढील दी है। इस छूट से तटीय कंटेनरों की आवाजाही में वृद्धि हो रही है। पिछले 3 सालों में जहां आयात निर्यात में कार्गो की बढ़ोतरी 3% प्रति वर्ष की दर से हुई है, वहीं तटीय कार्गो की मात्रा में लगभग 11% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 12 अप्रैल 2016 को ऐतिहासिक नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 लागू हुआ, जिसके तहत देश भर में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा हुई।
जलमार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को विश्व बैंक के तकनीकी और आर्थिक सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसके तहत वाराणसी से हल्दिया तक 1391 किलोमीटर लंबे हिस्से पर काम चल रहा है। नए घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों में से 36 नए जलमार्गों के लिए अध्ययन किया जा रहा है। 8 नए राष्ट्रीय जलमार्गों पर विकास का काम शुरू हो चुका है। पोत परिवहन मंत्रालय ग्रीन एंड स्मार्ट पोर्ट्स के विकास पर बल दे रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके और विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान की जा सकें। सागर माला कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों के लिए अपार अवसर हैं, जिससे सभी के लिए विकास और समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। सागर माला कार्यक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा और लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा, जिससे भारत के विनिर्माण क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी। सागर माला कार्यक्रम एक ऐसा एक्शन प्लान है जो बंदरगाहों के विकास के जरिए देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा।